हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, राउल्ट्स लॉ। लास्ट टू लेक्चर्स में हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, ये सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। आज हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई लोग क्या होता है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ कैसे राउल्ट्स लॉ आया। तो राउल्ट्स लॉ पहली बात तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए था, लेकिन हम ट्राइनरी सॉल्यूशन के लिए भी बताएंगे आपको। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए था, तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जो राउल्ट्स लॉ था वो कैसा था, लाइक हमने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में लिक्विड ए भर दिया, इसमें सारे ए के मॉलिक्यूल है, और एक कंटेनर ले लिया दूसरा जिसमें बी के मॉलिक्यूल है, इसमें सारे ए के मॉलिक्यूल हैं और इसमें सारे बी के मॉलिक्यूल हैं। ये लिक्विड हमारा वॉलेटाइल है, ये वाला लिक्विड वॉलेटाइल है, मींस वेपर फॉर्म करेगा। ये लिक्विड भी हमारा वॉलेटाइल है, ये लिक्विड भी हमारा वॉलेटाइल है। तो दो कंटेनर ले लिए, दोनों में हम लोगों ने अलग अलग लिक्विड भर दिया है, फिल कर दिया है। ये प्योर ए है और ये प्योर बी है, इसमें कोई चीज मिक्स नहीं है। तो अगर ये प्योर ए है तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा, इसका वेपर प्रेशर होगा पी ए नॉट, और अगर ये वॉलेटाइल है तो वेपर बनाएगा, और अगर ये वेपर बनाएगा तो प्रेशर भी लगाएगा, और प्रेशर लगाएगा तो ये जीरो तो नहीं होने वाला, नॉन वॉलेटाइल जीरो होता है ना, तो ये जीरो नहीं होने वाला। ऐसे ही ये लिक्विड प्योर है, वॉलेटाइल है, और बी लिक्विड हमने एज्यूम किया है, तो इसका प्योर वेपर प्रेशर पीबी नॉट मान लिया। क्या मान लिया, पीबी नॉट। अब देखो राउल्ट्स लॉ हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, कैसे राउल्ट्स लॉ आया, क्या बात बोली थी राउल्ट्स लॉ को, तो पहले भूल जाते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या था, खुद हम लोग ड्राइव करते हैं, हम लोग खुद ड्राइव करने जा रहे हैं कि कैसे राउल्ट्स लॉ आएगा। अब देखो हमने क्या किया, इसके कुछ मोल्स कुछ अमाउंट निकाल के एक नए कंटेनर में डाल दिया। अब इसके भी हमने कुछ मोल्स निकाल के एक नए कंटेनर में डाल दिया, तो हमने ए का कुछ अमाउंट और बी का कुछ अमाउंट निकाल के एक नए कंटेनर में डाल दिया। अब ये बन गया हमारा सॉल्यूशन, अब ये प्योर नहीं। तो देखो अब ये प्योर नहीं है, इसमें ए भी है और बी भी है, तो अब देखना इसमें ए भी है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, इस टाइप में। अब ये हमने मान लिया ऐसे करके है ये बी, ये कंटेनर क्लोज कर दिया, फिर वही सारी कहानी, इसमें वेपर, जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें वेपर बनना स्टार्ट होगा। तो अब देखो जरा किसका ज्यादा वेपर बनेगा, अगर हम इसमें देखें यही सीक्वेंस है तो यहां पे देखें तो बी का अमाउंट ज्यादा है, बी के मोल ज्यादा है, क्या ज्यादा है, मोल ज्यादा है किसके, बी के मोल ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बी का मोल फ्रैक्शन जो आने वाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो भी क्या आएगा, ज्यादा। अगर किसी के मोल ज्यादा है ठीक है, मोल ज्यादा है मींस उसका अमाउंट ज्यादा है, और उसका अमाउंट ज्यादा है, ज्यादा मोल मिला है, तो जितनी भी चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा उसके मोल है, मतलब उसका सबसे ज्यादा मोल का फ्रैक्शन आने वाला है। तो देखो किसी का अगर अमाउंट ज्यादा है तो उसका फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, उसका परसेंटेज भी ज्यादा होगा सॉल्यूशन में। तो हमने मान लिया मोल ऑफ बी, जो बी के मोल है वो ज्यादा है, तो इसके मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होंगे। अब अगर बी के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, अभी देखो ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो पूरा ए था, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये पूरा हमारा ए था, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट कॉन्स्टेंट होगा, वो कॉन्स्टेंट होगा, फिक्स। लास्ट टाइम बताया था अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे नहीं डिपेंड करता, लास्ट लेक्चर पे बताया था हम लोगों ने। अब देखो ये प्योर है तो ये कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, बट यहां पे जो ए प्रेशर लगाएगा, ए के मॉलिक्यूल जो वेपर बन चुके हैं, वो जो यहां पे प्रेशर लगाएंगे वो पी ए नॉट नहीं होगा। क्यों पी ए नॉट नहीं होगा, क्योंकि प्योर नहीं है, पार्शियल थोड़ा सा ए,
थोड़ा ए का प्रेशर लगेगा और थोड़ा बी के मॉलिक्यूल का प्रेशर लगेगा। तो देखो कुछ ए के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे, कुछ बी के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे। जो थोड़े से ए के मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं, थोड़े से वर्ड सुनना थोड़े से, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीए से, पार्शियल वेपर प्रेशर। ये क्या है? प्योर वेपर प्रेशर। पार्शियल वर्ड क्यों यूज किया? पार्शियल, पार्शियल इसलिए किया कि सारा का सारा जो प्रेशर यहां लग रहा है, यहां पे जो टोटल वेपर प्रेशर लग रहा है, मान लिया हमने पीएस है, कितना है पीएस है, पीएस मान लो या पीटी मान लो, आप कुछ भी एज्यूम कर लो, ठीक है, पीएस पीटी कुछ भी एज्यूम कर लो। तो वो सारा का सारा ए तो नहीं लगा रहा, सारा का सारा बी भी नहीं लगा रहा, कुछ ए के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं और कुछ बी के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। तो जो ए के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं उस पार्शियल, थोड़ा सा ए के लगाया तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, बी के कुछ मॉलिक्यूलों ने लगाया तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो ये हमने मान लिया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, इस वाले को बी को मान लिया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब देखो जरा, अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला, अभी हम लोगों ने बोला अगर मोल ज्यादा है यहां पे बी के मोल ज्यादा है, अगर हम बोलते हैं बी के मोल ज्यादा है और हमने बी के मोल बढ़ा दिए, ये हमने कह दिया बी के मोल ज्यादा है, तो अगर बी के मोल ज्यादा होंगे तो बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो बी के मॉलिक्यूल के वेपराइज होने के चांसेस ज्यादा है, मींस कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी भी हाई होगा, बी का वेपर प्रेशर हाई होगा। किसका वेपर प्रेशर हाई होगा? बी का। तो देखो बी का वेपर प्रेशर माने पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी, मोल फ्रैक्शन बढ़ाने से पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ा है, पार्शियल वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी नहीं, पार्शियल वेपर प्रेशर। प्योर में तो वो केवल बी है, प्योर में वो केवल केवल बी है, केवल बी है मतलब वो बी के कम ज्यादा अमाउंट पे डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है। अब यहां पे ए भी है बी भी है, ए भी है बी भी है, तो यहां पे अब किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? अगर पूरा पूरा ए होता तो ए के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, पूरा पूरा बी होता तो बी के अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता। अब ए भी है बी भी है तो पीटी तो फिक्स है, पीटी फिक्स है, पीएस फिक्स है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर ए कितना लग रहा है, बी कितना लगाएगा वो डिपेंड करेगा, ए ए अपने अमाउंट पे डिपेंड करेगा और बी अपने अमाउंट पे डिपेंड करेगा। फिर से सुनना बहुत अच्छे से, किस बात पे मैं फोकस कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वेपर प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वेपर प्रेशर अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता, लेकिन पार्शियल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। अब देखते हैं जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पे हम लोगों ने डायरेक्टली का साइन हटाया, सब लोग जानते हैं डायरेक्टली का साइन हटाने के बाद क्या आने वाला है, कॉन्स्टेंट। तो पीबी इज इक्वल टू के एक्स बी, एक कॉन्स्टेंट मान लिया के, एक कॉन्स्टेंट क्या मान लिया के। अब सुनो जरा, देखो सब लोग जानते होंगे कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, मींस मोल फ्रैक्शन, ये लास्ट टर्म पे भी मैंने बात की थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वन हमेशा होता है। केवल इसी में नहीं, अगर हमने मान लिया सॉल्यूशन हमारे तीन है, लाइक देखो एक बात याद रखना, जो हम लोग का राउल्ट्स लॉ था वो बाइनरी के लिए था, टर्नरी सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, टर्नरी सॉल्यूशन के लिए तीन हमने जैसे ले लिए तीन, ठीक है, उसके लिए भी आप ये कर सकते हो, लेकिन हमारे कोर्स में जो है या आईआईटी आईटी में आना है, जो तुम्हारे एग्जाम में आना है, नीट में आना है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आना है, वो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन आना है। ट्राइनरी के लिए भी आप कर सकते हो, आपके बेसिक अच्छे हैं तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, देखो बुक में दिया नहीं है लेकिन आप कर सकते हो, आपको आता है क्योंकि आपके बेसिक अच्छे हैं। तो अब देखना जरा, हमने यहाँ पे कंटेनर बना दिया, ये हमने कंटेनर बना दिया, इसमें हमने लिक्विड ए फिल कर लिया, एक में लिक्विड बी फिल कर लिया और एक में हमने लिक्विड सी फिल कर लिया, ठीक है, इसको हमने मिलाया, इसको हमने मिलाया और इसको भी हमने इसमें मिला दिया, ये लिक्विड से मिलने के बाद ही हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब देखना जरा, इसमें ये कैसा था, वॉलेटाइल था, ये भी क्या था, वॉलेटाइल, ये भी हमारा वॉलेटाइल, तो ये तीनों लिक्विड हमारे वॉलेटाइल है, तीनों लिक्विड कैसे हैं, वॉलेटाइल है, तीनों वेपर बनाएंगे, तीनों के अपने अपने वेपर प्रेशर होंगे, ये होगा पी ए नॉट, ये क्या होगा पी बी नॉट, और ये सी है तो पी सी नॉट, है ना भाई लोग। अब देखो जरा आगे देखते हैं हम लोग,
तो इसमें ए मिलाया, बी मिलाया, सी मिलाया, कुछ अमाउंट ए का था, कुछ अमाउंट बी का था, कुछ अमाउंट सी का था, तो हम मान ले रहे कि कुछ इस तरीके से बनने के बाद आ गया, क्या ए पी ए सी ए बी ए सी, और यहां पे भी क्या आ गया सी। अब देखो यहां मोल्स ए के देखें जरा, अगर हम इनको समझ ले ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं ये ए और सी के। अब देखो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे तो उसके मोल्स बड़े होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं उसका मोल बड़े होंगे। सबको पता है कि मोल्स बढ़ते हैं जब हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा ए के मॉलिक्यूल कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। अच्छा बी के, सी के मॉलिक्यूल देखें, एक दो तीन, तो इसका मतलब, इसका मतलब कहीं ना कहीं पीए जो होगा, कहीं ना कहीं पीए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि अगर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर ए ज्यादा लगाएगा, ऊपर से लगने वाला प्रेशर ए ज्यादा लगाएगा, तो मतलब ऊपर से जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा लगेगा, वेपर प्रेशर लगेगा, ठीक है। अब यहां पे तो टोटल लगेगा पीटी या कह दें पीएस, कुछ भी कह दें, पीटी या पीएस में कुछ भी एक टर्म हम कह दें, ठीक है, वो तो कांस्टेंट होगा लेकिन डिपेंड करेगा हर एक के अपने अपने अमाउंट पे। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब देखो जरा ये डायरेक्टली का साइन हटता है तो क्या आता है, तो ऐसे ही आप ये कह सकते हो बी का भी है सी का भी, ये तो हो गया हमारा टर्नरी सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग के कोर्स में टर्नरी है नहीं तो टर्नरी हटा दे रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन के। अच्छा हम लोगों ने देखा था ये वेब, अच्छा हमने अगर ये देखें कि पीए नॉट ज्यादा होगा कि पीवी नॉट ज्यादा होगा, इसमें देखें ज्यादा कौन होगा, तो ये क्या अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ये भी अमाउंट पे नहीं डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट टाइम में वीडियो में हमने देखा था अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली बाइंड करके रखे, बहुत टाइटली पकड़े हुए, तो मींस वो ऊपर जाने नहीं देगा, आप गर्म कर रहे होगे लेकिन वो मॉलिक्यूल वेपर बनाएगा नहीं, और मॉलिक्यूल वेपर नहीं बनाएगा, मॉलिक्यूल वेपर नहीं बनाएगा तो प्रेशर भी नहीं लगाएगा, प्रेशर नहीं लगाएगा मींस वेपर प्रेशर हमें नहीं मिलेगा। तो पीए नॉट और पीवी नॉट हमारा डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अच्छा पीए और पीवी किस पे डिपेंड करेगा, पीए और पीवी जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा उनके मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। देखो आपने लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी कम समझ आएंगी, और अगर देख लोगे तो आपके बोर्ड लेवल से छोड़ो कॉम्पिटिशन लेवल तक सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पे, किसी का भी मोल्स का फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में टोटल अगर देखा जाए तो वन होता है। जैसे आपने कितने लिए थे, तीन लिए थे, तो हम ये कह सकते थे तीन में एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू वन। अगर हम चार लेते थे तो उन चारों के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, वन। फ्रैक्शन की वैल्यू टोटल हमेशा वन, और परसेंटेज की टोटल वैल्यू हमेशा हंड्रेड। तो चलो आते हैं, अभी हम लोगों ने क्या किया फिर से देखते हैं, हम लोगों ने दो वॉलेटाइल प्योर लिक्विड लिए, उनको आपस में कुछ अमाउंट पे मिला दिया और हमें एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर मिल रहा है सॉल्यूशन का, लेकिन उसमें से अब डिपेंड करेगा इसके अंदर ए कितने मोल्स में ज्यादा है और बी कितने मोल्स में ज्यादा है, ए कितने में ज्यादा है, बी के मोल्स किसके मोल्स ज्यादा है, उसके हिसाब से हमें पी और पीबी मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया था पीबी इज इक्वल टू के पीबी एक्सबी। अब अच्छा देखते हैं यहां पे, हमने कहा कि अगर हमारा लिक्विड प्योर होगा, अगर हमारा लिक्विड प्योर होगा तो जो पीबी का वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा पीबी नॉट, ठीक है। अब हम कहें इफ एक्स बी इज इक्वल टू वन, अगर एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए। एक्स बी की वैल्यू वन होने का मतलब क्या है, एक्स बी की वैल्यू वन होने का मतलब है कि प्योर बी है, पूरा का पूरा क्या है, बी है, और अगर पूरा का पूरा बी है तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा, ए तो है ही नहीं, ए का प्रेशर आना ही नहीं है, ए का प्रेशर आना नहीं है तो पार्शियल की बात ही नहीं होनी है, सारा का सारा बी, सारा का सारा बी, सारा का सारा बी मतलब पी बी नॉट। अब हम ये वाली वैल्यू उठा के अगर यहां पर रखते हैं, ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे रखते हैं और वेपर प्रेशर के जगह हम कौन सी वैल्यू रखते हैं, पीबी नॉट। तो देखो यहां पे क्या रखने वाले हैं, पीबी नॉट, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा पी है, पार्शियल की बात ही नहीं है, इज इक्वल टू के, और यहां पे क्या रख दिया हमने, वन। तो जो कांस्टेंट आया के वो क्या आया, पीबी नॉट। इसका मतलब अब राउल्ट्स ने जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लॉ दिया वो क्या दिया, पीबी इज इक्वल टू
पी बी नॉट और ये क्या हो जाएगा एक्स बी। ठीक है, ये था हमारा राउल्ट्स। राउल्ट्स ने क्या बताया, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है ना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर बदलने से वेपर प्रेशर बदल रहा था। तो अगर हम बात करें एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से देखते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर देख रहे थे ना इन सॉल्यूशन, अब देखना था। तो ये आ गया, जैसे ये बी के लिए है, जैसे ये किसके लिए है बी के लिए, ऐसे ही हमारा ए के लिए होगा। तो अगर हम बात करें पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट और क्या हो जाएगा एक्स ए। ठीक है, अच्छा ये बी का हो गया, ये ए का हो गया। अच्छा जो पीटी आने वाला है या पीएस आने वाला है, जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आने वाला है, वो ए और बी के वेपर प्रेशर को मिला के आने वाला है। तो जो हमारा पी सॉल्यूशन आना है या हम कह दें पी टोटल आना है, वो हमारा किसको किसको मिला के आएगा, पी ए प्लस पी बी। ए कितना लगा रहा है, बी कितना प्रेशर लगा रहा है, दो ही लोग हैं तो दो ही तरह के प्रेशर लगेंगे, पी ए और पी बी। अच्छा पी ए की वैल्यू उठा के यहां रखते हैं, PA की वैल्यू उठा के रखते हैं, PB की वैल्यू उठा के रखते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा P सॉल्यूशन या कहते हैं P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XP। ठीक है, देखो ये आ गया हमारा। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में अगर PS मान लो तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XP। ये आ गया। ठीक है, अब देखो इससे बहुत सारी चीजें ड्राइव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे हमें x b के टर्म में नहीं रखना है, केवल a के टर्म में रखना है तो भी हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो किसी को भी उठाओ और हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो अगर हम कहें इसको मान ले रहे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर ले। तो अगर स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे तो वाई एक्सिस में कहीं ना कहीं पार्शियल वेपर प्रेशर आने वाला है, एक्स एक्सिस में कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन आने वाला है, और स्लोप यहां पे कुछ भी नहीं है तो जीरो मानना पड़ेगा। तो स्लोप वो इंटरसेप्ट हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारा कितना आ गया पी ए नॉट। अब अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें, तो देखो ग्राफ क्या आने वाला है, हमने बना लिया ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या होती है एक्स एक्सिस, और ये हमारी क्या होती है वाई एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस और वो हमारी y एक्सिस। अब हमें x एक्सिस में क्या बनाना है, मोल फ्रैक्शन, क्या बनाना है मोल फ्रैक्शन बनाना है। x एक्सिस में हमें क्या बनाना है, मोल फ्रैक्शन बनाना है। अच्छा y एक्सिस में क्या बनाना है, वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या बनाना है, वेपर प्रेशर। तो y एक्सिस में हमने क्या बना दिया, वेपर प्रेशर, और x एक्सिस में क्या बना दिया, मोल फ्रैक्शन। अब देखो जरा स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो ये लाइन, और इंटरसेप्ट हमारा कितना आ रहा है जीरो, इंटरसेप्ट जीरो होता है तो लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से। तो ये लाइन कहां से पास होने वाली है, ओरिजिन से। ठीक है, तो अगर हमारा मोल फ्रैक्शन इतना है, ठीक है ये कुछ मोल फ्रैक्शन है, तो उस समय हमारा प्रेशर इतना लगेगा। अब अगर हमने मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया तो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और पार्शियल वेपर प्रेशर ये बढ़ता चला जाएगा जितना ज्यादा हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन इतना है तो प्रेशर इतना है, मोल फ्रैक्शन इतना है उस समय प्रेशर इतना है, बढ़ गया मोल फ्रैक्शन और बढ़ा दिया प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर इतना हो गया, मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रेशर भी हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये इससे हमारा ये ग्राफ भी निकल आया। देखो और चीजें हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझ आ गया कि मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जो मोल फ्रैक्शन है ये किस में है, सॉल्यूशन में है। अभी एक मोल के फ्रैक्शन कुछ यहां पे भी तो आ रहे होंगे, यहां कैसे आ रहे होंगे, कुछ ए वेपर में है और कुछ बी है, तो अभी तो सॉल्यूशन में देख रहे थे, अभी गैसियस फेज में, अभी सॉल्यूशन फेज में, लिक्विड फेज में, अब हम किस में जा रहे हैं, गैसियस फेज में, गैसियस फेज में। तो इतना आप लोगों को समझ आया होगा, दो लिक्विड हमने आपस में मिलाए, दोनों वोलेटाइल थे,
दोनों वेपर प्रेशर देंगे जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा था। तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, चाहे तुम थोड़ा ए लो, चाहे तुम ज्यादा ए लो, चाहे पतले कंटेनर में लो, चाहे बड़े कंटेनर में लो, छोटे बड़े कुछ नहीं डिपेंड करेगा, शेप साइज सरफेस एरिया अमाउंट पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब हम ये दोनों मिला देंगे, इसमें मिला देंगे, मिलाने के बाद अभी भी ये डिपेंड नहीं कर रहा होगा अमाउंट पे, अभी भी ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी। लेकिन 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 ए कितना लगा रहा है, बी जाने के बाद कितना प्रेशर लगा रहा है, वो ये डिपेंड करेगा कि ए के और बी का कितना मोल है, कितना मोल फ्रैक्शन है। अगर बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, बी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो बी प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा, भी प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। अब सुनना मेरी बात, अब चलो इतना हो गया, फिर हम लोगों ने ये देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने ये देखने के बाद ये भी निकाल लिया, ये हमारा फाइनल राउल्स लॉ निकल आया, उसका ग्राफ देख लिया, इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ भी अभी हम लोग देख लेंगे। उससे पहले हम लोग एक नई चीज देखते हैं, चलो इसको नोट कर लेना, उसके बाद हम लोग नई चीज स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक वेपर प्रेशर और आता है, एक तरीके से वेपर प्रेशर और आने वाला है, वो कैसे आने वाला है वो देखते हैं। अब देखो, जैसे ये कोई कंटेनर था जिसमें हमने लिक्विड मिला दिया था, ऐसा कंटेनर जिसमें हमने लिक्विड मिला दिया था, वो दो लिक्विड इसी में मिला दिए, ठीक है। अब इसमें ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, किसमें सॉल्यूशन, ऊपर क्या बनने वाला है, पेपर बनने वाला है, यहां पे मोल फ्रैक्शन आएंगे, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे, यहां पे जो मोल फ्रैक्शन आएंगे उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहे, तो माने यहां पे ए बी के कुछ मोल होंगे और यहां पे भी ए और बी के कुछ मोल होंगे, यहां पे ए और बी के मोल जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे मोल फ्रैक्शन वाई, तो मतलब हम बोलेंगे ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ, सुनते रहे ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है, वेपर फेज इज इक्वल टू, मान लिया क्या है वाई, ठीक है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन पूरा लिख दे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस इक्वल टू वाई बी मान लो, ठीक है। अब अच्छा, ये जो था मोल फ्रैक्शन, ये किसमें था मोल फ्रैक्शन, है वेपर फेस, इसको माना मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, मींस ब्रैकेट में लिख सकते हो लिक्विड फेस, किसमें था लिक्विड फेस में, इसको हमने, ये भी दो तरीके का होगा, ये दो तरीके का कैसा होगा, ये होगा एक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये मान लिया एक्स ए, और फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इन सॉल्यूशन पूरा, ये क्या हो जाएगा एक्स बी। अच्छा, तो ये वैल्यू होती है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, तो क्या ये वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू वन होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, और हर फ्रैक्शन मोल का ही फ्रैक्शन नहीं, दुनिया में जितने भी फ्रैक्शन होते हैं उन सब का सम वन होता है, चाहे वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हो, चाहे तीन में, चाहे चार में, चाहे सॉल्यूशन फेस में आ रहे हो, चाहे वेपर फेस में आ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, किसी में भी हो, सब जगह हमारे मोल का फ्रैक्शन वन ही होना है, ठीक है, किसी का भी फ्रैक्शन वन होना है। अब देखो जरा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस तो है, साफ समझ आ रहा है, ये डिफरेंस क्या है, ये जो है हमारा लिक्विड फेस में जा रहा है, लिक्विड के अंदर यहां पे कितना अमाउंट है, ये वेपर फेस में यहां ए बी कितने हैं, यहां पे ए बी कितने हैं, यहां पे मोल का जो फ्रैक्शन आएगा वो वेपर फेस में वाई से, यहां इसके अंदर कितना है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो यार देखो जरा, तीन लॉ आते हैं, तीन लॉ थे जिसने ये बताया था कि जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन, तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। एक कौन थे? हेनरी लो। ठीक है, एक कौन थे? डाल्टन्स लो। और एक हमारे लिए राउल्ट्स लो। ठीक है, तीनों ने बताया था। अब अच्छा, तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस क्या, जल्दी नहीं समझ आता, जल्दी लोग समझ नहीं पाते तीनों में डिफरेंस क्या है, हेनरी लॉ, डाल्टन्स लॉ और ये। अच्छा, इसमें क्या था? ये गैस के लिए लगता था। ठीक है, इसमें क्या करते थे हम लोग, इसमें क्या करते थे, हम लोगों ने देखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लिक्विड में हम लोग गैस को मिलाते थे, गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करते थे। लिक्विड में गैस मिला रहे हैं, इसमें क्या होता था, एक कंटेनर था जो गैस था, ऊपर से भी क्या आ रही है, गैस, तो गैसियस मिक्सचर बनता था। इसमें क्या होता था, लिक्विड के अंदर गैस मिलता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे लिक्विड है, उसमें नया लिक्विड मिलाया जा रहा है। ठीक है, और दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल है। और यहां पे जो बात आ रही है वो लिक्विड भी बन रहा है, बाद में यही क्या बन जाता है, वेपर बनता है। तो अब इसमें क्या है, इन दोनों में कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी हो जाती है, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या हो जाती है कि यहां पे भी बात आती है गैस की और यहां वेपर बन रहा है, माने बात आ रही है गैस की। तो इन्होंने भी यही बोला था, इन्होंने भी यही बोला था, तो क्या डाल्टन्स और राउल्ट्स को हम कोरिलेट कर सकते हैं, तो देखते हैं। इन्होंने बोला था, ये अपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं 11th में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तब भी मैंने ये जिस हिसाब से बताया वो बहुत अच्छा है, किसी बुक में इतनी तेजी से अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट किया है कि क्या मेन बेसिक डिफरेंस है, वो आप अच्छे से देख लो। तो अब इन्होंने क्या बोला था, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए, और ये बोला पी टी, ये क्या प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ए का पार्शियल प्रेशर। अच्छा ठीक है, ये क्या था, टोटल प्रेशर, ये क्या था, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर को जो अभी हमने बताया था सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, और ये था मोल फ्रैक्शन, और ये किसमें था, गैस में, इन गैसियस, गैसियस फेस, गैसियस फेस फेस। अच्छा, तो गैसियस फेस में तो हम मानते थे वायु, तो हमने मान लिया वायु, गैसियस फेस में क्या मान लिया, वायु। एक्स क्यों हटा दिया यहां से, क्योंकि गैस है। और देखो, अगर हम देखें तो हमारे पास एक नई चीज आई, क्या, राउल्ट्स ने बताया, फिर से सुनना, राउल्ट्स ने बताया कि पी ए इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स ए और पी ए नॉट, ये किससे था, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, दोनों गैसियस फेस में लगते थे, दोनों गैसियस फेस में लगते थे, तो इन्होंने बताया पीए इज इक्वल टू, पीए इज इक्वल टू गैस पे, वेपर पे, वाई ए, क्या बताया, वाई ए इंटू पीटी, ठीक है, वाई ए इंटू पीटी। अब देखो जरा, अब दोनों पीए ही है, दोनों पीए ही, तो दोनों की वैल्यू सेम ही होने वाली है, और दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है, तो दोनों को हम क्या कर लें, इक्वल कर लें, इन दोनों को इक्वल कर लें। तो अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई ए पी टी इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट, अगर यहां से वाई ए की वैल्यू निकालें तो क्या आने वाला है, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टी। बहुत 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 अच्छा फॉर्मूला बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से सुन, हमने क्या बोला, हमने बोला कि जब दो वॉलेटाइल लिक्विड मिलाए थे, दो वॉलेटाइल लिक्विड मिलाए थे, दोनों वेपर बनाएंगे, दोनों अपना प्रेशर लगाएंगे, यहां पे ए बी का अमाउंट होगा, जिससे यहां पे ए और बी का मोल्स का फ्रैक्शन अमाउंट अलग अलग आए, ये मोल फ्रैक्शन हो गया वेपर फेस में, और यहां पे जो ए और बी बचे हैं, यहां पे ए और बी बचे हैं, वो मोल फ्रैक्शन देंगे सॉल्यूशन फेज में। इसको हमने एक्स एक्स बी से मान लिया, और जो वेपर फेज में गैस फेज में होते हैं वो वाई ए और वाई बी से मान लिया। जो राउल्ट्स लॉ था वो लिक्विड और वेपर दोनों में हम लोग में यहां पे लगता था कि ये वेपराइज होके जाने वाला है, क्योंकि वेपर वेपर का प्रेशर यहां पे लेता था, लेकिन ये केवल गैस पे लगता था। तो जो गैस गैस को अगर कंपेयर करें, गैस गैस में कंपेयर करें, तो यहां पे हमने कंपेयर किया,
तो हमें राउल्ट्स के अकॉर्डिंग ये और डाल्टन्स के अकॉर्डिंग ये मिला। जब दोनों पीए की वैल्यू इक्वल कर दी, दोनों पीए की वैल्यू इक्वल कर दी, तो इन दोनों को इक्वल करने से ये आ गया। अब अच्छा देखना जरा, इसमें आप ये भी कह सकते हो इसकी जगह आप किसकी जगह क्या लिख सकते हो पीए, तो वाई इज इक्वल टू हो गया पीए अपॉन पीटी। ठीक है, पीटी और सॉल्यूशन का है तो पीएस ले सकते हो, सॉल्यूशन का है तो पीएस ले सकते हो। तो बुकों में ये फॉर्मूला लिखा होगा पीए अपॉन पीएस। ये क्या था? मोल फ्रैक्शन था। क्या था? मोल फ्रैक्शन था। कब था? इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ऐसे ही हम वाई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा यहां पे? ए था तो पी ए आया, तो बी की जगह पी बी नॉट एक्स बी और नीचे पी टी ही आने वाला है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी बी अपॉन पी टी। टी सॉल्यूशन का है तो पी बी अपॉन पी एस, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब देखो अगर यहां पे इन दोनों की वैल्यू वाई ए और वाई बी की वैल्यू उठा के यहां पे रख दी जाए, अगर रख दी जाए तो देखो क्या कोई लॉजिक निकलने वाला है। चलो देखते हैं भैया, आ जाओ कहां गई वैल्यू, ये तो यहां हमने मान लिया वाई ए के जगह पी ए अपॉन पी एस प्लस वाई बी की जगह पी बी अपॉन पी एस इज इक्वल टू वन, इसको एलसीएम लेके वहां भेज दिया तो ये आ गया पी एस। और गौर से देखो यही तो था राउल्ट्स लॉ, माने राउल्ट्स लॉ फिर से आ गया भाई, ये एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें पीए के जगह हम रख दें, अगर पीए के जगह मैंने क्या बोला था पीए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी एस, यही तो था अभी अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था। तो देखो इससे भी निकल के आ रहा था और इससे भी निकल के आ रहा था, बस अंतर क्या है, ये जो है ये सॉल्यूशन में है लिक्विड फेस में और ये जो है ये वेपर फेस में। वो मोल फ्रैक्शन वाई ए वाई बी मोल फ्रैक्शन है वेपर फेस में और ये किसमें है हमारे लिक्विड फेस में। तो ये राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने देखा, राउल्ट्स लॉ को सॉल्यूशन लिक्विड फेस में वेपर फेस में देखा। ठीक है, थोड़ा सा अभी इनमें इनको मैं अलग से पढ़ूंगा उसमें बहुत डिटेल में, इसमें तो हल्का सा इंट्रो दिया, इसका एक्सेप्शन लिमिटेशन जितनी भी होंगी वो सब अभी बताने वाले हैं। ठीक है, कहां एप्लीकेबल होगा, कहां ये फेल हो जाने वाला है, इसको नोट कर लो, फिर इसके ग्राफ बता देते हैं आपको। ठीक है, चलो तो भैया हम लोग भाई लोग क्या देखने वाले हैं, ग्राफ देखने वाले। किसका ग्राफ देखने वाले? राउल्ट्स लॉ का देखने वाले हैं। अब राउल्ट्स लॉ जो होता है किसमें एप्लीकेबल होता है? आइडियल सॉल्यूशन में। अब ये क्या बवाल, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखो आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? जो आइडियल सॉल्यूशन में लगता है। कह रही है क्या मजाक है? तो भैया देखो आइडियल सॉल्यूशन के एक बहुत बेसिक पॉइंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी राउल्ट्स लॉ देखते हैं, तो राउल्ट्स लॉ के बारे में केवल हमें पढ़ना है। तो राउल्ट्स लॉ में हम लोगों ने जो देखा था एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, उसका ग्राफ बनाएंगे। पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी एस क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, इज इक्वल टू था पी ए प्लस पी बी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये वैल्यू रख दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग को ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, तो बनाते हैं ग्राफ। अब जैसे कि हमने ये एक लाइन ले ली, ये हमारी कौन सी एक्सेस है? एक्स, और ये हमारी कौन सी है? वाई। याद आ रहा अभी इससे पहले कुछ पढ़ा, ये हमारी एक्स और ये वाई। यहां पे क्या होता था? यहां होता था वेपर प्रेशर और यहां क्या होता था? मोल फ्रैक्शन। तो यार अब मोल फ्रैक्शन देखो, ओरिजिन है जीरो से स्टार्ट होंगे, जीरो से स्टार्ट होंगे बड़े 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 बड़े, लेकिन कहां तक? इनफिनाइट तो नहीं चला जाएगा, मोल फ्रैक्शन की एक लिमिट है, लिमिट है तो लिमिट बना दे रहे, इसके बाद में ही जाने वाला मोल फ्रैक्शन। अगर कोई जीरो से स्टार्ट हुआ है मींस हम मान ले एक्स ए की वैल्यू जीरो है, तो यहां जाने के बाद एक्स ए धीमे 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 बढ़ के मैक्सिमम
वन तक ही जा सकता। लिमिट है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू वन, वन से ज्यादा नहीं क्रॉस करेगी, वन से आगे नहीं जाएगी। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, अगर इसकी वैल्यू तुमने वन रख दी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अगर एक्स ए की वैल्यू जीरो है तो एक्स बी की वैल्यू वन, और जब एक्स ए की वैल्यू वन हो गई तो एक्स बी की वैल्यू जीरो। ये वो टाइम है, ये वो मिक्सचर है जिस समय सॉल्यूशन हमारा कैसा रहा होगा, प्योर बी, पूरा का पूरा बी, सारा का सारा प्रेशर बी की वजह से, सारा का सारा प्रेशर बी की वजह से। प्योर बी मतलब ए है ही नहीं, ए के मॉलिक्यूल है ही नहीं लिक्विड में, तो प्रेशर भी वेपर भी नहीं बनाएंगे, प्रेशर भी नहीं लगाएंगे, बी ही वेपर बनाएगा, बी ही प्रेशर लगाएगा। तो कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो, ऊपर हमने मान लिया ये, मान लो ये, तो ये आएगा जो, उसको हम मानेंगे पी वी नॉट, प्योर का ये तो मानते हैं। ठीक है, अब देखो चलो इधर से उधर जा रहा हूं तो बी की वैल्यू वन से धीमे 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 कम होने वाली है, धीमे धीमे क्या होने वाली है, कम होने वाली है। और अगर याद हो कि PB जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XB की, XB की वैल्यू कम होती जा रही है तो B का वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, B का वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। मींस ये ग्राफ ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। और जैसे ही XB जीरो, जैसे ही XB जीरो, ये भी क्या हो जाने वाला है, जीरो। तो ये ग्राफ लगातार कंटिन्यू डिक्रीज होता हुआ ही आ गया। अच्छा, यहां A नहीं है, अब तुम्हें ए मिलाया होगा, धीमे 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 ए आने लगा, एक टाइम बाद पूरा पूरा ए है, बी हट गया, बी हट गया। ये किसकी कंडीशन है, प्योर ए की। तो अब हमें देखो, ये धीमे धीमे ए यहां पे जीरो था, अब धीमे धीमे ए बढ़ेगा, अब बढ़ के यहां तक जाएगा कि ऊपर तक जाएगा, तो पहले वो हमें देखना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। हम लेट कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, हमने लेट कर लिया कि पी ए नॉट इज लेस देन पी बी नॉट, हमने मान लिया। तुम्हारी मर्जी, तुम मान लो, तुम क्या मान लो, तो बी ए नॉट मान लो, क्योंकि वो तो अभी हमें पता नहीं है, हमें दो लिक्विड दिए ही नहीं है, और दो लिक्विड दिए नहीं है तो हम बता नहीं सकते हैं। तो क्या कभी नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे क्या, कभी नहीं बता पाएंगे? अरे बिल्कुल बताओगे, कैसे बताओगे, लास्ट वीडियो देख के। लास्ट वीडियो में कैसे देखना है आपको, देखो अब मान लो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ A is less than vapor pressure of B। अच्छा, तो क्या है कि vapor pressure of B अगर ज्यादा है, B का प्रेशर ज्यादा है, तो B के वेपर भी कैसे बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। वेपर ऑफ B भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और B अगर ज्यादा वेपर बना रहा है तो B क्या होगा, वॉलेटाइल होगा, क्या होगा, ज्यादा वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो वॉलेटाइलिटी ऑफ बी इज हाई, बी की वॉलेटाइलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो अब यहां से हम एक चीज बता सकते हैं कि वॉलेटाइल नेचर ए का कम होगा, अगर हम बात करें वॉलेटाइलिटी, कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब कौन ज्यादा वेपर बना रहा है। ठीक है, कौन ज्यादा वेपर बना रहा है, तो ज्यादा वेपर बनाने के बाद जो प्रेशर लगाएगा, तो वॉलेटाइलिटी अगर बात करें ए की कम होगी, बी की ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब अगर बी की वॉलेटाइल नेचर ज्यादा है तो बी प्योर स्टेट में ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ए कम लगाएगा, कम लगाएगा, तो इससे नीचे कहीं भी मान लो, आपकी इच्छा, हमने यहां मान लिया, मेरी इच्छा थी तो हमने मान लिया, तुम्हारी इच्छा जहां भी मान लो। अब देखो यहां पर हमने मान लिया पी ए नॉट, पी ए नॉट क्यों माना, क्योंकि इस पॉइंट पे, पूरी इस लाइन पे जो कंडीशन है वो केवल केवल ए वाली है, प्योर ए, पूरा ए, ए के ही मॉलिक्यूल है हर जगह फैले हुए, ए ही, बी है ही नहीं, गायब हो गया। तो ए के मॉलिक्यूल ऊपर जाने वाले हैं वेपर फॉर्म में इवेपोरेट, और ए के मॉलिक्यूल ही प्रेशर लगाने वाले हैं, सारा का सारा प्रेशर ए का, सारा का सारा प्रेशर ए। तो ये आ गया पी ए नॉट, क्या आ गया, पी ए नॉट। ठीक है, अब अच्छा देखो ए यहां पे, ए जो था, अगर हम पीछे हैं, पीछे 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 पीछे, तो ए क्या हो रहा है, वन से धीमे 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 कम होके जीरो। अच्छा, तो अगर हम बात करें, अब यहां पे हटा दो ए, बात करें तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो उसका भी प्रेशर कम होगा। इधर आने पे ए का मोल फ्रैक्शन वन से धीमे 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 कम होते जा रहे हैं, ए के मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहे हैं, अगर ए के मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं, ए के मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं, तो उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा, और कम होते 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 जीरो।
ठीक है। अब अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे तुम्हें क्या मिला, तो तुम्हें मिला पी ए, और इस पॉइंट पे तुम्हें क्या मिला बी का है तो पी बी, और पी ए प्लस पी बी मिला के क्या आ जाता है पी एस। तो अगर हम देखें तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये किसकी होगी पी एस, पी एस बोले तो पी ए प्लस पी बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये क्या था हमारा पी एस, ठीक है। ये हमारा हो गया पी ए, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया पी ए, ये क्या हो गया पी बी, ठीक है कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारा ग्राफ हो गया, आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ हो गया, नॉन आइडियल के लिए हम ग्राफ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। अच्छा अब ग्राफ से देखो एक चीज याद रखना कि प्योर स्टेट में बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, प्योर स्टेट में बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बी ज्यादा वेपर बना रहा होगा, ज्यादा वॉलेटाइल होगा। अगर हम ग्राफ इसके जगह, अगर हम ग्राफ इसके जगह पलट दें और हम कहीं ग्राफ ये बना दें, मान लो बोर्ड या कॉम्पिटिशन में ग्राफ तुम्हारा ये आ जाए, ठीक है ये ऐसे करके आ जाए ग्राफ, ये हो जाए पी ए नॉट, ये हो जाए पी बी नॉट, ठीक है और यहाँ पे था बी है ना बी, केवल प्योर बी, तो बी की वैल्यू वन और ए की वैल्यू जीरो, ठीक है यहाँ पे ए है केवल केवल ए है तो एक्स ए की वैल्यू वन, पूरा ए, एक्स ए वन का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज वन, वन मतलब कि पूरा ए, एक्स बी की वैल्यू उस समय नहीं होगी जीरो होगी, ठीक है। तो अब यहाँ बी ज्यादा है ए कम है, ए जीरो होगा, ए जीरो से बढ़ते 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 अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है बी यहाँ पे पूरा पूरा बी था, कम होते 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 यहाँ आ गया। अब इस कंडीशन की बात करें, इस कंडीशन की बात करें, इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, वो आपको क्या बता रहा है कि जो प्रेशर होगा वो कौन ज्यादा लगाएगा ए, इसका मतलब वेपर कौन ज्यादा बना रहा होगा ए। अगर हम बात करें वेपर किसका ज्यादा बनेगा ए का, कौन ज्यादा वॉलेटाइल होगा, कौन ज्यादा वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल कौन ज्यादा होगा ए का, ए वॉलेटाइल होगा ना। अब आ जाओ और लास्ट लेक्चर बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा है कि वॉलेटाइल के बाद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसमें ज्यादा होने वाला है भाई लोग, ठीक है किसमें ज्यादा ए की बी में, तो भैया अब बी में, क्योंकि अगर बी में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल टाइटली बाइंड है, टाइटली बाइंड है, गर्म कर रहे हो, ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, वेपर नहीं बना रहे हैं, वॉलेटाइल ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो भैया ये सारी चीजें हम लोग लास्ट टर्म पे देख चुके थे, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट का भी, ठीक है लास्ट टर्म में मैंने बताया था जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के, ठीक है बट इन्वर्सली होता है वेपर प्रेशर के और इन्वर्सली ही होता है वॉलेटाइलिटी के, ठीक है ये सारी चीजें बताई थी। इन दोनों में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो भी कंपेयर कर सकते हैं, बी का ज्यादा होगा ठीक है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में ठीक है, उसमें एक अलग कहानी, ठीक है। तो ये था आज का हम लोग का लेक्चर राउल्ट्स लॉ पे, कौन वॉलेटाइल से कैसे हमें देखना है, राउल्ट्स लॉ के छोटे छोटे टॉपिक है, छोटा छोटे टॉपिक में बना के आपको दे रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेंदी लेंदी लेक्चर ना मिले, तो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इरिटेट आप भी ना हो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेक्चर है ठीक है, लेकिन हाँ उसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, छोटे लेक्चर को डिटेल में समझा रहा हूँ ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बनेगा वो बनेगा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएशन, देन उसके बाद हम लोग राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है क्लास।